मेरे हरियाणा के सभी नौजवान साथियों को राम राम। हाय हेलो, कैसे हो? यदि आपने 12th अब की बार पास की है या पहले पास की हुई है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका आ गया है आपके एडमिशन से रिलेटेड। यूजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं अंडर ग्रेजुएट। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप करना चाहेंगे, बीटेक जो भी आपको करना होगा, उसमें कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब पे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। गाइस, यदि आपको एडमिशन लेना है हरियाणा में यूजी अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। उसमें फॉर्म फीस, एडमिशन वगैरह, डेट कब से कब स्टार्ट होंगे, कंप्लीट इसकी लास्ट डेट क्या होगी, मेरिट लिस्ट कब से जारी की जाएगी, कंप्लीट इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा, इसमें कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। कैसे इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इसमें कि हरियाणा में आपको एडमिशन लेना है यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको कब फॉर्म भरे जाएंगे, और यदि आपके प्लस टू में पास हो चुके हैं या आपका रिजल्ट आना बाकी है अभी, ठीक है, जो उन्होंने पहले पास कर रखा है उनके लिए भी फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। गाइज, मैं आपको छोटी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इसमें। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रो फर्स्ट में, बताया था कि हरियाणा में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं हरियाणा की कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एडमिशन 2023 के अनुसार। यहाँ ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सेशन के बारे में बात करें, सेशन 2023 एंड 2024 के अनुसार है, यानी 2023 और 24 का सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। 12th पास कर लिया आपने या आपका रिजल्ट आना बाकी है, जो पास कर लेंगे 12th उसी का फॉर्म अप्लाई होगा अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, हरियाणा में होगा आपका। कब से स्टार्ट हो जाएंगे आपका, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तो फर्स्ट वीक आपके जून में स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपके फर्स्ट वीक में जून में स्टार्ट होने की संभावना बताई गई इसमें, ठीक है। यानी अपडेट जो भी नोटिफिकेशन होगी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की तरह आपको उस पर आपको अपडेट कर दूंगा। गाइज, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ये कंप्लीट वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ज्वाइन टेलीग्राम को, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें, फर्स्ट वीक जून में आपके स्टार्ट फॉर्म हो जाएंगे, थर्ड वीक के लास्ट में एक्चुअली लास्ट डेट होगी, ठीक है। जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी नोटिफिकेशन होगी तभी उसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फीस, जो इसकी एप्लीकेशन फीस होगी जनरल, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 100 रुपये का चालान पे कर लेना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फीस कटेगी इसमें, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर, जब भी आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे 100 रुपये 50 रुपये फीस कटेगी, कैटेगरी वाइज फीस कटेगी इसमें, ठीक है। एज लिमिट के लिए इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है डिपार्टमेंट ने, ठीक है, आपकी चाहे कितनी भी एज हो वो भी अपना आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रेडी कर रखने हैं, आपको क्या क्या तैयार करने हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है आपका फैमिली आईडी, यानी आपके पास फैमिली आईडी अभी तक भी नहीं बनी हुई है तो फैमिली आईडी जल्द से जल्द अपनी बनवा लें, और वो वेरीफाई भी होनी ज़रूरी है तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा, वरना आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम बात करेंगे कैंडिडेट के फोटो सिग्नेचर भी होंगे, वो आपके रेडी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके डॉक्यूमेंट 10th और 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी आपको, यदि 10th की मार्कशीट है आपके पास, 12th का रिजल्ट है तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यदि आपको जो अन्य बोर्ड के सदस्य स्टूडेंट होंगे, चाहे CBSE, ICSE, RBSE जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अदर होंगे, हरियाणा से छोड़ के बाहर के होंगे, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर से तैयार रखें। अगला ऑप्शन हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर देख सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेनी है, वो भी आपको रेडी रखनी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट NCC, NSS के लिए पहले ले चुका है या फिर लेना चाहते हैं, तो वो आपको फॉर्म में ही आपको यस नो का ऑप्शन कर लेना होगा उसी दौरान। यदि आपको गैप ईयर है, आपने पिछले साल आपने 12th पास कर लिया था, इन्हें प्लस टू पास कर ली थी, आपने 12वीं पास कर ली थी, वो भी गैप ईयर का आपको एक एफिडेट बनवा लेना होगा, ठीक है। वो आपको उसमें यस नो के उस अनुसार उसमें सेलेक्ट कर लेना होगा, वो आपको अपलोड भी करने का ऑप्शन भी आ सकता है या नहीं भी आएगा, तो आपको उसमें ऑप्शन में फिल कर देना है, ठीक है। जैसे वीडियो होगी उसे फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको एक नई वीडियो बना के दिखा दूंगा, उसमें बना दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अपने मोबाइल से भर सकते हैं, PC लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, अगला ऑप्शन होगा हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी। आपको ध्यान रखनी है आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको जरूर से आपकी ही मोबाइल नंबर आपके ही। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने मोबाइल नंबर से रिलेटेड आपके खुद के मोबाइल नंबर देना है, ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आएगी मोबाइल के जरिए ही होगी, ठीक है। ईमेल आईडी यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए इसमें, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे जो भी नोटिफिकेशन होगी वो इस पे जारी कर दिया जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे हम बोल सकते हैं डोमिसाइल, ठीक है, हरियाणा का। यदि आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अदर के स्टूडेंट हैं वो जनरल में काउंट होंगे, उनको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे राजस्थान के या फिर दिल्ली के कहीं के भी
पंजाब के, जो भी आपके अदर के होंगे हरियाणा छोड़ के, उनको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ सकती इसमें। तो गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे कैटेगरी, यानी आपकी कास्ट कैटेगरी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो भी आपको फैमिली आईडी के थ्रू ही बनवा सकते हैं। आपको फाइल वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं है, फाइल के थ्रू आपके बन जाती है, ठीक है, 24 घंटे के अंडर अंडर में बन जाती है। यदि आपकी फैमिली आईडी वेरीफाई हो चुकी है, कास्ट वेरीफाई भी हो चुकी है, तो ये आपको बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फैमिली आईडी वेरीफाई हो चुकी है तो जल्द से जल्द आपकी बन जाती है। अगला ऑप्शन आता है हमारे इनकम सर्टिफिकेट, गाइस आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेनी है, ये भी आपकी फैमिली आईडी के जरिए बन जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फैमिली आईडी वेरीफाई है तो बन जाएगी, यदि वेरीफाई नहीं है तो नहीं बनेगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली आईडी जल्द से जल्द वेरीफाई करवा ले। अगला ऑप्शन हमारा बैंक की पासबुक, खुद का ही अकाउंट नंबर होना चाहिए, कि ना कि किसी अपने माता पिता का देना, आपको अपना खुद का बैंक अकाउंट नंबर इसमें अपडेट कर लेना है गाइज, ठीक है। यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से भी लिंक होना जरूरी है, मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही बता के जाता हूँ इस वीडियो में, किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं है। काफ़ी यूट्यूबर तो आपके शॉर्ट में बात बताकर चले जाते हैं, आप फिर डाउट में रह जाते हैं, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही देके उसके बाद में ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन हम बात करेंगे एडमिशन के लिए, आपको यूजी का एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको प्लस टू पास होना जरूरी है। यदि अपीयरिंग का ऑप्शन है तो आप एडमिशन से पहले पहले आपका रिजल्ट आना भी जरूरी है, वही एलिजिबल होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूजी फर्स्ट ईयर का एडमिशन के लिए, पोर्टल जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जब भी स्टार्ट होंगे मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा, इसमें अपडेट दे दूंगा नई नोटिफिकेशन। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करें। तो भाई साहब आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, काफ़ी मेरे यूट्यूबर से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ताकि मेरे को कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आता रहूँ, समय समय पर बनाता रहूँ इसमें। तो गाइस इस वीडियो को जैसे आपके फॉर्म बने, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसमें, अभी साइट नहीं चलेगी, इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है वो आपको यहां पर देखने मिल जाएगी, हायर एजुकेशन इसकी साइट है, उस पर आपको फॉर्म भरा जाएगा। हायर एजुकेशन का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से अपना फॉर्म भरना है। कंप्लीट कैसे जैसे स्टार्ट होंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी जो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।